नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू। तो सब्जी आलू का तो बहुत खाए हैं, लेकिन आज कश्मीरी दम आलू खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आइए देख लेते हैं इसकी सामग्री। ये 500 ग्राम आलू है, छोटा आलू है। इसको हम बॉईल करके इस फोक से हम पूरा इसमें हम छेद कर दिए हैं ताकि मसाला इसके अंदर रहे। दो प्याज काट के ले लिए हैं, दो टमाटर है, एक पोट लहसुन इसको भी छील के हम ले लिए हैं, 8 से 10 काजू है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और ये छोटी इलायची, 2 चम्मच छोटे चम्मच से दही, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी, नमक 1 चम्मच लिए हैं अपने स्वाद अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये काली मिर्च है इसको भी हम थोड़ा सा लेंगे। तो सबसे पहले इस आलू में हम चुटकी भर हल्दी पाउडर इसमें डाल देते हैं, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। अब सबको हम मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से सबको मिक्स कर दिए हैं। गैस पर एक कढ़ाही रख दिए हैं, उसमें हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिए हैं। अब इसमें हम आलू जो रखे हैं इसमें दे करके फ्राई कर लेते हैं। इसको हमें लगातार चला के 2-3 मिनट फ्राई करना है गोल्डन, जब तक इस पर नहीं कलर आ जाता है। आलू गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम सबको निकाल लेते हैं। सबको निकाल लिए हैं, अब वही तेल जो बचा हुआ है उसमें हम काजू डाल देते हैं, लहसुन, गरम मसाला, अदरक, इसी में हम प्याज भी डाल देते हैं। प्याज फ्राई हो गया है, इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम टमाटर भी डाल देते हैं, आप चाहें तो टमाटर का पहले से ही बॉईल करके प्यूरी बना के रख लीजिए। टमाटर गलने तक इसको पका लेते हैं, फिर इसको हम ठंडा करके मिक्सी में सबको ग्राइंड कर लेंगे। हमारा टमाटर भी गल गया है और प्याज भी, हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके मिक्सी में। तो हम सारे मसाले को मिक्सी में पीस लिए हैं। अब हम एक बर्तन गैस पर रखे हैं,
अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो जाता है तो इसमें हम जीरा और हींग डाल देंगे। जीरा हम डाल दिए, जीरा चटकने देते हैं। अब इसमें ये हल्दी डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, पेस्ट बना के रखे हैं उसको भी हम डाल देते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं। नमक डाल देते हैं अपने स्वाद अनुसार, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम गैस का फ्लेम तेज करके मसाला फ्राई कर लेते हैं तेल छोड़ने तक। मसाला फ्राई हो गया है, देखिए अब इसमें दही डाल देते हैं। दही डाल के गैस को कम कीजिए, लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें दही फटे नहीं। जब भी दही डालें तो गैस एकदम लो कर लें और लगातार चलाते रहें। मसाला मेरा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम आलू डाल देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला और ये कस्तूरी मेथी। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, आप गाढ़ा पतला जैसा रखना चाहती हैं अपने हिसाब से रखें। सब्जी बन के तैयार हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम सब्जी को एक बॉल में निकाल लेते हैं, देखिए कितना अच्छा इसका ग्रेवी बना है, कितना सुंदर बना है। सबको इस बॉल में हम निकाल लेते हैं।
ये देखिए कश्मीरी दम आलू बनके तैयार हो गया है और ये बहुत जल्द बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि हमको पता चले हम इतना मेहनत करते हैं, हमसे कहाँ गलती हुई है तो उसको हम सुधारेंगे। आप लोग का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।